आज मैं इंडियन बाइक्स ड्राइंग डीडी के अंदर खेलने वाला हूँ विंटर मोड। ये विंटर मोड उसी के साथ स्नो भी होने वाली है भाई, पूरी की पूरी सिटी में हर जगह पे नए तरीके के अलग अलग तरीके के काफी ज्यादा खतरनाक से पेड़ आ जाएंगे पूरी की पूरी सिटी में। पूरी की पूरी सिटी स्नो की वजह से व्हाइट हो जाएगी। फिर मैं इंडियन बाइक्स ड्राइंग डीडी विंटर मोड में खेलूंगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है यार? मैंने इस वाली गेम को डे मोड में भी काफी ज्यादा खेला है, रेन मोड में भी काफी ज्यादा खेला है, नाइट मोड में भी काफी ज्यादा खेला है, फिर से डे मोड में काफी ज्यादा खेला है, लेकिन मेरा मन करता है मैं इस गेम के अंदर अपना फेवरेट मोड खेलूं जो कि विंटर, और विंटर के साथ स्नो भी पड़ रही हो भाई, सिटी क्या लगेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम के अंदर ऐसा कोई मोड ही नहीं है जिस पे क्लिक करने के बाद मैं विंटर मोड के अंदर चला जाऊं। लेकिन वेट भाई, मैं कैसे भूल सकता हूं, मेरे पास आरजीएस टूल है और तुम लोगों को पता है आरजीएस टूल मेरी कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं, शायद से आज भी मेरी हेल्प कर दे। यस, मैं एक बार अपनी मोबाइल निकाल दूं और आरजीएस टूल के अंदर जाके आरजीएस टूल को एक बार बोल ही देता हूं। तो मैंने अपना आरजीएस टूल ओपन कर लिया और यहां पर मैं टाइप करने वाला हूं आई वांट टू प्ले विंटर मोड। यस, ऐसे अगर आरजीएस टूल मुझे दे दे तो भाई मजा ही आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैंने टाइप कर लिया आई वांट टू प्ले विंटर मोड। भाई आरजीएस टूल अगर मुझे विंटर मोड दे दे फिर तो मजा आ जाएगा, तो मैं इसको कर लेता हूं डन। Find this, okay, एक वीडियो तो आ चुकी है और ये तो वो वाले कंटेनर्स है और इनके ऊपर पड़ी हुई है एक पिंक ट्री। लेकिन आरजीएस टूल मुझे ये क्यों दे रहा है, या फिर विंटर में ये वाली ट्रीज भी होती है वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसको अब ढूंढना पड़ेगा। और मुझे पता है ये कहाँ पर है क्योंकि उन वाले कंटेनर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ एक बार। मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ उन वाले कंटेनर्स के पास। लेकिन भाई उन वाले कंटेनर्स के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं अपना फुल ट्राई करूंगा कि मैं उन वाले कंटेनर्स के ऊपर पहुंच जाऊं, मुझे बस जल्दी उस वाले कंटेनर पर पहुंचना पड़ेगा जहां से वो स्टार्ट है। ऑलराइट, मैं कंटेनर्स के पास पहुंच चुका हूं, यहां से तो ये वाला इजी है, मैं ऊपर तक चला जाऊंगा। लेकिन वहां से फिर जो टर्न है और वहां से जो जंप है ना, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ऑलमोस्ट मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, यहां से अब मुझे टर्न करना पड़ेगा और जंप भी करना पड़ेगा। लेकिन यहां से थोड़ा सा जंप करना है, सामने जो जंप करना होगा ना वो ज्यादा जंप है। ओके, तो यहां से मुझे आराम से जाना है, आराम से जाना है और यहां पे लैंड। यस यस, प्लीज 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 प्लीज, यस यहां से तो गया, लेकिन अब यहां से मुझे अच्छा जंप करना है, बस यहां से ठीक हो जाना। और ये मैंने जंप किया और पहुंचेगा। यस एंड हियर वी गो भाई, ये रहा वो पिंक ट्री। लिटरली में यार ये अजीब सा नहीं लग रहा है, मतलब ये विंटर मोड में होगा बट आई थिंक ठीक ही लगेगा, तो मैं इसको कर लेता हूं कलेक्ट। चलो यहां से मैंने उस वाले पिंक ट्री को तो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन वेट, शायद मुझे एक और मैसेज आ चुका है, मुझे देखना पड़ेगा। फाइंड दिस, ओके, एक और वीडियो आ चुकी है और ये तो जुरासिक पार्क के अंदर एक ट्री है और ये तो प्रॉपर विंटर स्नो वाली ट्री है भाई। लेकिन अब ये जुरासिक पार्क के अंदर कहीं तो बीच में फंसी हुई है, मुझे वहां से इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कैसे ना कैसे करके जुरासिक पार्क के अंदर इस वाली ट्री को ढूंढ ही लूंगा। मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूं और सीधा जाता हूं जुरासिक पार्क। लेकिन उससे पहले मुझे यहां से आराम से लैंड करना पड़ेगा, बस आराम से लैंड कर लो, अगर मैं नीचे गिरा तो मैं पक्का फिनिश होने वाला हूं। प्लीज प्लीज बच जाओ, प्लीज 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 प्लीज। और यस भाई, इतनी ज्यादा सेफ लैंडिंग मैंने आज तक नहीं की, लेकिन ठीक है, अब मैं सीधा जुरासिक पार्क जाता हूँ। ऑलराइट, मैं जुरासिक पार्क तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन भाई इतना बड़ा जुरासिक पार्क है वो तो ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर पेड़ भी इतने ज्यादा हैं। अब इतने सारे पेड़ों के बीच में मुझे उस वाले व्हाइट ट्री को ढूंढना पड़ेगा, जो कि आई डोंट नो मैं ढूंढ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ उसको ढूंढने का। ओके, थोड़ा सा जुरासिक पार्क के अंदर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली ये वाला ट्री मिल चुके और भाई तुम लोग इसको देखो, प्रॉपर विंटर वाली फील दे रहा है, और सिर्फ विंटर नहीं, विंटर के साथ स्नो वाला पेड़ जो होता है भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो यहाँ से मैंने इस वाले पेड़ को भी कलेक्ट कर लिया, अब मैं देखता हूँ कोई और भी मुझे मैसेज आया है क्या। Find this, okay, एक और वीडियो, और ये तो शायद से कंस्ट्रक्शन एरिया वाली ब्रिज है और इसके ऊपर पड़ा हुआ है एक स्नोमैन, मतलब एक पुतला, लेकिन वही है भाई, ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, मैं सीधा कंस्ट्रक्शन एरिया पे जाता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर मैं उस वाली ब्रिज के ऊपर कैसे जाऊंगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है वहां पर। एनीवेज, अब तो वो वहां जाके पता चलने वाला है। ऑलराइट, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे तो पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर मैं इस वाली ब्रिज
के ऊपर जाऊं तो जाऊं कैसे, लेकिन वे अभी मुझे याद आ रहा है जब पिछली बार मैं इस वाली ब्रिज के ऊपर गया था तब इस वाली वाल के पीछे एक फ्लोर था, उस फ्लोर का यूज करके मैं इसके ऊपर गया था। अब देखता हूँ क्या इसके पीछे एक फ्लोर पड़ा है। अगर भाई इसके पीछे फ्लोर मिल गया फिर तो सच्ची में बेस्ट हो जाएगा। प्लीज बस पढ़ाओ, प्लीज 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 मुझे देखना पड़ेगा। एंड यस भाई एग्जैक्टली सेम फ्लोर पड़ा हुआ है, मैं इसका यूज करके उस वाली ब्रिज के ऊपर इजीली जा सकता हूँ। बस मुझे आरजीएस टूल के अंदर टाइप करना है मोड ऑन, ऐसा टाइप करने के बाद मैं इस वाले फ्लोर को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। अब मैं बस इस वाली ब्रिज से मिलाता हूँ और इसके ऊपर जाता हूँ। ओके तो इस वाले फ्लोर को मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है, अब बस मुझे देखना है क्या मैं इस वाली ब्रिज के ऊपर जा पा रहा हूँ कि नहीं। यस पहुंचने लगा पहुंचने लगा और यस भाई पहुंच गया ऊपर। अब बस मुझे आगे जाते जाने और वहां पर पड़वा है वो वाला स्नोमैन। भाई मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इतने से रास्ते से मुझे गुजरना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। देखो मैं यहां तक तो पहुंच गया लेकिन अब मुझे जाना है आगे, इतने से रास्ते को क्रॉस करते करते भाई मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं अपना फुल ट्राई करूंगा। ऑलराइट तो अब मुझे आगे जाते जाने और ये मैं जा भी रहा हूं मैं थोड़ा सा स्पीड दे देता हूं ताकि मैं जल्दी पहुंच पाऊं। बस पहुंचने लगा और भाई बस पहुंच गया। एंड हियर वी गो भाई, ये वो वाला स्नोमैन यार, ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूं कलेक्ट। अरे लेकिन एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है? ये अभी मुझे क्या हुआ? और वेट, मैं अपने आप ही अपने घर पहुंच चुका हूं, लेकिन वेट भाई ये मैं बाहर क्या देख रहा हूँ? मेरी सिटी में विंटर मोड आ चुका है और देखो स्नो भी हो रही है। भाई मेरा घर क्या लग रहा है? मेरा घर लिटरली में कितना ज्यादा नॉर्मल था लेकिन अब भाई मेरा पूरा का पूरा घर सज चुका है, इतने सारे पेड़ लग चुके हैं, इतने सारे स्नोमैन पड़े हुए हैं मेरे घर में। भाई यार ये कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और तुम लोग देखो वो जो पिंक पेड़ थे वो भी लग चुके हैं और वो जो व्हाइट वाले पेड़ थे वो भी लग चुके हैं। और एक बार तुम लोग मेरा स्विमिंग पूल देखो, भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है मेरा स्विमिंग पूल, लेकिन अब मुझे इससे निकलना पड़ेगा। भाई मैं अपने स्विमिंग पूल से निकल नहीं पा रहा हूँ क्या? ओह अपने आप ही मैं निकल गया, लेकिन वेट ये किसकी कार है? ऐसी कार तो मैंने कभी भी नहीं देखी और पूरी की पूरी कार बर्फ से ढकी हुई है। लेकिन छोड़ो इसको जिसकी भी हो, मुझे क्या, तुम लोग ये देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है सिटी पूरी की पूरी। बाहर भी पेड़, यस भाई बाहर भी पेड़ है, इस साइड से पेड़ है। अबे भाई ये तो पूरा का पूरा रोड ही पेड़ से भरा हुआ है और इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, भाई क्या फीलिंग आ रही है, नेक्स्ट लेवल भाई। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आ रही है ये वाला विंटर मोड खेल के। और देखो यहाँ पर भी स्नोमैन पड़े हुए, इतने सारे पेड़ लग चुके हैं। इस साइड वाले ये जो पेड़ है ये पूरे के पूरे खोखले हैं, लेकिन उस साइड वाले जितने भी पेड़ है भाई सारे के सारे भरे हुए हैं, उनके साथ जो पिंक वाले पेड़ है वो तो और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। भाई तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जाके देखता हूँ पुलिस स्टेशन में क्या है। और भाई रोड का तो ये अलग ही फील है यार, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं रोड। वैसे तो खोखले होते हैं लेकिन इतनी सारी ट्रीज लग चुकी है, पिंक वाली व्हाइट वाली। और यहाँ पर देखो रोड पर बर्फ गिरी हुई है और बर्फ के इतने बड़े बड़े गोले भी और इतने सारे स्नोमैन, ये तो मैंने देखे नहीं थे भाई कितने सारे। पुलिस स्टेशन तो ऐसे लग रहे बिल्कुल सजे ही हुआ है, मुझे अंदर जाके एक बार देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पर भी इतने सारे पेड़ और पुलिस स्टेशन, क्या लग रहा है भाई। और तुम लोग पुलिस स्टेशन का कलर भी देखो, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन व्हाइट हो चुका है। वैसे तो ब्लू होता है तुम लोगों को पता है, लेकिन अभी व्हाइट है और कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब तो इन पुलिस वालों को भी मजा आ रहा होगा। अरे सर आपको मजा आ रहा है? अरे इस वाले मोड में तो मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे पास क्यों आए तुम? मुझे ठंड लग रही है। चलो उसको छोड़ो भाई, अंदर भी पुलिस वाले बैठे हैं, ये भी सारे के सारे एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ से भाई क्या व्यू आ रहा है, भाई मजा आ रहा है मुझे तो सच्ची में। वेट अब मैं अपने घर जाता हूँ, वहां से मैं अपनी डिफेंडर को लेता हूँ और जाता हूँ ओल्ड हाउस जाके। देखो ओल्ड हाउस नॉर्मल है या फिर वो भी चेंज हो चुका है? यस भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ओल्ड हाउस को भी देखने के लिए। बस मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है और डिफेंडर को लेना है और वहां पर जाना है। ओके मैं आके अपनी डिफेंडर में तो बैठ चुका हूँ और ये व्हाइट डिफेंडर इस वाले व्हाइट पूरे के पूरे थीम के साथ क्या लग रही है भाई, मजा आ रहा है सच्ची में। अब बस मैं एक्साइटेड हूँ अपने ओल्ड हाउस को देखने के लिए वो कैसा होगा। अगर वो नॉर्मल होगा ना फिर तो मुझे सच्ची में मजा ही नहीं आएगा, अगर वो अच्छा रहेगा फिर तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी गाड़ी को निकलना पड़ेगा और ये निकल तो चुकी है। अब मुझे यहाँ से आराम से टर्न करना पड़ेगा, ये टर्न हो रहा है, मेरी गाड़ी बस पलट ना जाए क्योंकि भाई मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ठीक है अभी तो आराम आराम से चल रही है तो मुझे आराम आराम से जाना पड़ेगा। फिर से अटकी मैं थोड़ा सा
साइड से निकल जाता हूँ। यस 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 निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, और यस निकल गई। अब तो बस सीधा रास्ता है मुझे चलते जाने। और यार इस वाली कार के साथ ये वाले पेड़ कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। भाई सच्ची में मानो या ना मानो लेकिन मजा तो आ रहा है इस वाले विंटर मोड में। ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है, वो अलग, मेरी गाड़ी पलट गई भाई। ओके ओके सीधी हो रही और ये सीधी भी हो चुकी है। अब मुझे जाना है अपने ओल्ड हाउस। लेकिन वेट, इस साइड पे भी मुझे काफी सारी ट्रीज नजर आ रही हैं। लेकिन शायद से सबसे पहले मुझे अपने ओल्ड हाउस को ही देखना चाहिए। लेकिन भाई इस साइड पे तो और भी ज्यादा, मैंने फिर से टर्न किया, मेरी गाड़ी पलट गई। लेकिन ठीक है सीधी हो रही है और ये फिर से पलट गई, लेकिन फिर से सीधी हो चुकी है। अब मुझे पहले इस साइड पे जाने में देख के तो यहाँ पर सिर्फ ट्रीज है या फिर कुछ और भी है, क्योंकि ये बीच सिटी का कुछ अलग हो सकता है। लेकिन नहीं, ट्रीज ही हैं। बट भाई ये वाली ट्रीज भी इस जगह को काफी ज्यादा अच्छा थीम दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अपने ओल्ड हाउस को देखना पड़ेगा। भाई मैं कहाँ भटक रहा हूँ बार बार। मैं यहाँ से चला जतूर सामने, देखो भाई मेरा पूरा का पूरा ओल्ड हाउस, मेरी गाड़ी फिर से पलट गई और मैं अपने आप ही ओल्ड हाउस के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ट्रीज देखो, मेरे ओल्ड हाउस के अंदर इतनी सारी ट्रीज लगी और क्या लुक दे रही है इसको। मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ, अब मैं अपने ओल्ड हाउस को देखता हूँ। भाई मैं लिटरली मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ वो वाली जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है इस विंटर की वजह से। और सिर्फ विंटर नहीं, स्नोफॉल की वजह से भी, क्योंकि उसकी वजह से इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है और पूरी की पूरी ट्रीज ऐसे लग रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। लेकिन वेट, क्या मेरे इस वाले घर के अंदर भी बर्फ पड़ी है, मुझे देखना पड़ेगा। यस भाई घर के अंदर भी बर्फ पड़ी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर खुला हुआ है उस वजह से शायद से। और ट्रीज तो मत ही पूछो भाई, इतनी सारी ट्रीज लगी है, पीछे भी ट्रीज है भाई, हर जगह से इतनी सारी ट्रीज है। वेट, क्या मैं उस साइड जाऊंगा तो इस ओल्ड हाउस की उस साइड पे भी काफी सारी ट्रीज होगी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पर देखो भाई बर्फ क्या लुक दे रही है भाई, मजा आ रहा है सच्ची में। और ये अगर तुम लोग इस साइड देखो तो इस साइड भी इतनी सारी ट्रीज है, मैं इनके नीचे जाता हूँ, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। और भाई देखो इतनी सारी ट्रीज है, सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई, नेक्स्ट लेवल। मेरा न्यू हाउस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पुलिस स्टेशन गया वो भी अच्छा लग रहा था, ओल्ड हाउस है ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब भाई इस वाले विंटर और स्नोफॉल मोड में जहाँ पर भी जाओ सभी की सभी चीजें अच्छी लग रही है, और यहाँ पर बर्फ देखो कितनी ज्यादा अच्छी लुक दे रही है। सच में यार मुझे तो इस वाले विंटर मोड को खेल के काफी ज्यादा मजा आया। अगर तुम लोग को भी इस वीडियो को देख के मजा आया तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये अगर तुम लोग चाहते हो सच्ची में ये वाला विंटर मोड इस गेम के अंदर ऐड हो जाए तो कमेंट्स में सारे के सारे विंटर मोड टाइप कर देना, शायद इस वाली गेम के अंदर सच्ची में विंटर मोड ऐड हो जाए। क्योंकि ये वाली वीडियो जो दिखाई गई है ये एक विंटर मोड सच्ची वाला नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि ऐसे अगर विंटर मोड आएगा तो ऐसे लगेगा, तो सारे के सारे कह दो ऐसा विंटर मोड आ जाए। बट यस अगेन कह रहा हूं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आती रहती हैं। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And his name is John C.